हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर नंपाई के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ एन अरे यूजिंग नंपाई। अभी मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बताया कि किस तरीके से हम यूजिंग नंपाई 0D अरे या 1D अरे या 2D अरे या 3D अरे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एन अरे। तो सारी बातें अभी तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ी है और अब हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देख लेते हैं, ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। ओके, और मैं आपसे हमेशा एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप बेटर चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरी आगे हमें मशीन लर्निंग में बहुत हेल्प करने वाली है। नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, तो कहीं भी शॉर्टकट ना लें। इस प्रैक्टिकल के पहले एक बार इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लें तो चीजें ज्यादा बेटर आपके समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और आई होप आपने नंपा इंस्टॉलेशन वाले मेरे वीडियोस को देख के अपने सिस्टम को रेडी कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको स्टेप वन पे सबसे पहले यही बताया था, हाउ टू इंस्टॉल नंपा फॉर पाइथन आइडियली एंड हाउ टू इंस्टॉल नंपा फॉर पाइचाम, कि अगर आप पाइचाम को यूज कर रहे हैं तो हाउ टू यूज पाइचाम फॉर नंपा। ओके, तो यहां पर हम पाइचाम में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि आज हम एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं नंपाई की। सो विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर, सो आई विल जस्ट गो टू दिस न्यू प्रोजेक्ट, और यहां पर हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया नंपाई प्रोजेक्ट। ओके, एंड देन जस्ट गो टू दिस क्रिएट, और यहां पर एक बार हम नंपाई को फिर से इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे। इट टेक्स हार्डली 2 to 3 minutes कि हाउ टू इंस्टॉल नंपाई लाइब्रेरी। ओके, तो यहां पर आप देखिए, इफ आई गो टू दिस राइट क्लिक न्यू एंड पाइथन फाइल, और यहां पर मैंने नाम दिया टेस्ट numpy 1। ओके, एंड व्हेन आई इंपोर्ट इट, इंपोर्ट numpy, सी दिस वन, इंपोर्ट numpy एज npy, देयर इज नो numpy लाइब्रेरी अवेलेबल। तो यहां पर आपको स्टेप 1 पे numpy को इंस्टॉल करना है पाइचाम में। हालांकि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो क्रिएट किया, बट सिंस आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट हियर, सो अगेन आई नीड टू इंस्टॉल दिस। तो सिंपली आई गो टू दिस फाइल सेटिंग्स, ओके, फाइल सेटिंग्स के बाद गो टू दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद हमने क्लिक किया पाइथन इंटरप्रेटर एंड देन क्लिक ऑन दिस प्लस। एंड आई होप आपको पता है कि इसके लिए मुझे एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड आई क्लिक ऑन दिस numpy, जस्ट सर्च दिस numpy एंड क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल पैकेज। मैंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है अपने इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में कि किस तरीके से आपको numpy को इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये आपका numpy सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, एंड देन आफ्टर आई विल गो टू दिस ओके एंड इंपोर्ट numpy एज npy। ठीक है, तो यहां पर अब हमने npy इज व्हाट, इट इज एन अलाइज नेम ऑफ दिस numpy मॉड्यूल, और यू कैन से दैट अल्टरनेट नेम। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन हम देखते हैं यहां पे हाउ टू क्रिएट एन ndy अरे ऑब्जेक्ट, है ना, जिसकी हमने बात की थी कि अगर आप numpy को यूज करके कोई भी अरे क्रिएट करते हैं तो इट क्रिएट्स अ ऑब्जेक्ट जिसको यूज करके हम numpy के फंक्शंस को कॉल करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ndy अरे ऑब्जेक्ट। ठीक, नंबर डायमेंशन अरे ऑब्जेक्ट मतलब कितने बाय कितने का आपका अरे क्रिएट हुआ है, दैट वी कैन फाइंड आउट विद दिस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, रादर देन डिस्कस करें हम ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बहुत बातें कर ली हमने। तो यहां पर मैंने एक अरे क्रिएट किया सपोज विद द मेथड कॉल npy डॉट अरे, ठीक है, npy डॉट अरे, और जैसे मैंने आपको बताया था दिस अरे मेथड रिक्वायर्ड अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इधर लिस्ट और टुपल। तो यहां पर हमने लिस्ट फॉर्मेट में अगर डेटा दिया है, सपोज अगर मैंने डेटा दिया 10, 20, 30, सो दिस इज व्हाट माय वन डायमेंशनल अरे क्रिएटेड, राइट। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट arr, एंड दिस इज व्हाट द अरे आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ है दैट इज व्हाट ndy अरे ऑब्जेक्ट, so that I can call any method with this ndy array object, कि मुझे इस तरह की sorting करना है, मुझे searching करना है, जो भी हम आगे functions की बात करने वाले हैं, और जिस purpose के लिए actually हम numpy को use कर रहे हैं। okay, so if I'm going to print this and say this one, this is 10, 20, 30, the elements of this array, right? और अगर मेरे को 0D array create करना है, this is what the 1D array, अगर मैं 0D array create कर रहा हूँ, so I can go with the simple statement, ठीक है, arr equal to npy dot array, ठीक है, and in list अगर suppose मैंने दे दिया मान लो 100, तो ये मेरा 0D array एक ही element print करेगा। ओके, see this one, अगर मैं इसको print करता हूँ arr, and if I run this, I'll get 100 here। तो simple concept से हम शुरू करेंगे, and then step by step हम
आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप जीरो डी एरे वन डी एरे किस तरीके से क्रिएट करना है ये आपको समझ में आया है। ओके, एंड सपोज अगर मुझे क्रिएट करना है टू डी एरे विद दिस एनपी एरे मेथड, तो हियर आई एम क्रिएटिंग एन अरे ऑब्जेक्ट एंड यहां पर मैंने लिखा ए आर आर इक्वल टू सी दिस वन, ये मेरा पहला अरे ऑब्जेक्ट है, आई जस्ट गो विद दिस। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट अरे ऑब्जेक्ट अरे वन, इसको नाम हम दे देते हैं। ठीक है, ये मेरा वन डी अरे है, दिस इज व्हाट माय वन डी अरे वी क्रिएटेड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हमने बात की जीरो डी अरे के बारे में, तो इसको वन नाम दे देते हैं, इसको टू रख देते हैं, एंड दिस इज व्हाट स्लैश जीरो डी अरे, है ना, जीरो डायमेंशनल अरे। ओके, एंड थर्ड आई एम गोइंग टू क्रिएट टू डायमेंशनल अरे, तो यहां पर हमने बात की अरे थ्री हमारा क्रिएट होगा एंड विच इज व्हाट एनपी डॉट अरे। ओके, np dot array, और यहां पर आपको डेटा देना है लिस्ट फॉर्मेट में, तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, और यहां मैंने एलिमेंट दिए मान लो 1, 2, 3 इन माय सेकंड लिस्ट विच कंसिस्ट एन एलिमेंट 4, 5, 6, तो ये जो अरे मेरा क्रिएट हुआ है दिस इज व्हाट माय 2d अरे। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि सर इस तरीके के अरे तो हम अरे को लेके भी क्रिएट करते हैं, हमने लिस्ट के कॉन्सेप्ट भी देखे हैं, डोंट वरी, अभी जैसे-जैसे हम इसके फंक्शनैलिटी पे आएंगे वैसे-वैसे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि why numpy is best as compared to the list। हमने स्पीड की बात तो की थी, but apart from that, why numpy is better than that option? Okay? तो ये हमने 2D array create किया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको print करता हूँ, suppose this array 3, and let's see कि अगर मैं array 3 को create करता हूँ, just a moment, just missing comma here, I have to put comma, ठीक? If I'll print this, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is what my 2D array created। कि ये मेरा 2D array है। राइट, यहां पर जब हमने 1D अरे को प्रिंट किया, सो दिस वन प्रिंट ARR2, ठीक, तो फर्स्ट इट विल प्रिंट 1D अरे 10, 20, 30, सेकंड इज 2D अरे, ठीक है, और यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट ARR1, सो दिस इज व्हाट माय 1D अरे, सो दिस वन 100 10 20 30 1 2 3 4 5 6, और यदि मुझे क्रिएट करना है 3D अरे, तो ये जो अरे भी हमने क्रिएट किया, सिंपली देखो आप अरे 4 में यहां पर बनाता हूं, इफ आई एम क्रिएटिंग एन अरे 4 एंड अगेन वी विल कॉल द मेथड एनपी डॉट अरे। ठीक है, मैंने आपको बताया था देयर इज एन अरे मेथड टू क्रिएट अरे यूजिंग numpy, तो हमने numpy मॉड्यूल की अरे मेथड को कॉल की विच रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अरे ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एन डी अरे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड बाय दिस वी कैन कॉल द डिफरेंट मेथड्स। ओके, तो यहां पर अगर मुझे अरे क्रिएट करना है तो सिंपली अगेन इन द लिस्ट, जैसे हमने सीरीज ऑन सिंटेक्स पे मेजरली फोकस करो आप, कि यदि मैंने ये क्रिएट किया है तो ये मेरा पहला अरे है, सपोज ये मैंने एज इट इज लिया है, ठीक है, लिस्ट इनसाइड ए लिस्ट एंड देन कॉमा आई विल गो विद द सेकंड कलेक्शन, तो यहां पर मैंने अगेन लिस्ट, यहां पर हमने एलिमेंट ले लिया मान लो 7, 8, 9 एंड देन कॉमा 10, 11, 12, या चलो थोड़ा सा एलिमेंट चेंज कर देते हैं, तो यहां पर हमने ले लिया सपोज 100, 200, 300, ओके 400, 500, 600, एंड दिस इज 700, 800, 900, एंड दिस इज सपोज 1000, 1100, एंड सपोज 1200, ये मेरा तीसरा अरे क्रिएट हुआ, राइट, सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट, मतलब आपको अगर 3D अरे इफ यू वांट टू क्रिएट देन अरे विद इन एन अरे, तो ये पहला अरे हमने दिया विच कंसिस्ट, सी दिस वन, मैंने 3D अरे की डेफिनेशन आपको क्या दी थी, 3D array means number of 2D array is called a 3D array। ठीक है, कि यदि मान लो आप लिखते हैं a 2 by 3 by 2, अरे अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा a, अगर हम array लिखते हैं a 2 by 3 by 2, तो इसका मतलब है this is a 2 array of 2 by 3, 2D array का collection 3D array कहलाता है, it is a 2 array of 2 by 3, ठीक है, यही concept मैंने भी आपको बताया था कि actually 3D array क्या होता है, it is a 2D array, multiple 2D array is called a 3D array, right? तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने पहला 2D array लिया, this one, and this is the second 2D array, okay, this one, and put comma here. तो यदि मैं इसको print करता हूँ, if I'm going to print, तो आप देखिए, हर array के पहले अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक line के बाद ये बता देते हैं, this is 3D array, ठीक है? तो that output में आपको clearly समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा 3D array है, कौन सा हमारा 2D array है, और कौन सा हमारा 1D array है, और कौन सा हमारा 0D array है, ये मैंने 0D array लिख दिया, right? तो now we have a 4 array,
तो इजीली वी क्रिएटेड अ 0D अरे, 1D अरे, 2D अरे, और ये तो अभी एक फॉर्मेट हम देख रहे हैं। अभी तो यहां पर देयर आर मल्टीपल फंक्शंस आर अवेलेबल कि अगर मुझे सारे 0 एलिमेंट्स का अरे क्रिएट करना है, यदि मुझे सारे 1s का अरे क्रिएट करना है, लेफ्ट डायगोनल 1 का अरे क्रिएट करना है, लाइन स्पेस से अरे क्रिएट करना है, रेंज मेथड को यूज करके अरे क्रिएट करना है, 0 बाइट अरे, 1 बाइट अरे, अरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा इनिशियल लेवल से आगे बढ़ते हैं क्योंकि शुरुआत हमें यहीं से करना पड़ेगी। ओके, तो ये अभी हमने देखा हाउ टू क्रिएट 1D 2D 3D एंड अरे यूजिंग numpy। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको आउटपुट देख लेते हैं। ओके जस्ट अ मोमेंट। ओके 700 800 900 100 200 300, दिस इज माय फर्स्ट अरे एंड द सेकंड वन इज, यानी कोई सिंटैक्स का इशू है, जस्ट अ मोमेंट आई विल जस्ट चेक इट आउट। Inside this array, I have to create, yes. See. Okay, मैंने 3D array को भी print नहीं किया, I'll just print this P, print ARR4. Actually, एक list bracket कम था. See, 3D array हमने क्या बोला था? It's a multiple 2D array. तो ये मेरा पहला 2D array. ठीक है, and this is my second 2D array. So, I have to take this completely inside this list. Okay, तो यहाँ पर see, majorly आपको ध्यान रखना है syntaxes का. तो यदि आप देखिए यहां पर मैंने 2D array क्रिएट किया, सो व्हाट दिस 2D array रिक्वायर, टू लिस्ट राइट एलिमेंट्स इन द लिस्ट। पहला एलिमेंट हमने लिस्ट में दिया, 2D array के लिए हमने दो बार मल्टीपल टाइम वी हैव टू यूज लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, इन 3D array वी हैव टू यूज मल्टीपल 2D लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। ओके, सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस अरे 4, सो लेट्स सी, सो दिस वन, ये मेरा 1D array 100, 0D array सॉरी 1D array 10 20 30, 2D array 1 2 3 4 5 6, and here we have a 2 array 100 200 300 400 500 600, first 2D array and this is second 2D array and this is what 3D array. So this is how to create n dimensional array using numpy अभी हमने देखा। और यदि आपको यहां पे इनके डायमेंशन देखना है कि मेरा जो पहला अरे है हम इसको 0D array बोल रहे हैं, let's see the dimension of this array. So here we have a method called arr1 dot डायमेंशन मैथड। ठीक है, विद द यूज ऑफ दिस एन डायमेंशन यू कैन फाइंड आउट कि आपका जो अरे है वो किस डायमेंशन का। भी हम सारी मैथड की बात करेंगे शेप के बारे में। ठीक है, सी दिस वन, ओ सॉरी दिस इज, ठीक है, सो विद दिस एंडिम यू कैन फाइंड आउट, सी दिस वन, आपका अरे पहला क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द अरे। ठीक है, तो यहां पर जब आपने अरे क्रिएट किया, यू वांट टू सी द टाइप्स कि आपका जो अरे वो किस डायमेंशन का अरे, तो जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी एंडिम। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं, सो आई विल गेट, सी दिस इज माय 0D अरे, इट शोज मी 0, दिस इज माय 1D अरे, ठीक है, एंड 1D अरे विल प्रिंट 1 2 3। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि बॉस आपका जो अरे है वो किस डायमेंशन का अरे है, वो 1D अरे है, वो 2D अरे है, वो 3D अरे है। ठीक है, यहां पर हमने अरे को प्रिंट नहीं किया, दैट्स व्हाई प्रिंट ARR2। अगर आप डायमेंशन के साथ अरे भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, सो यू कैन प्रिंट अरे आल्सो, अरे ऑफ 4। ओके लेट्स, ये मेरा 0D array with the 100 element, 10, 20, 30, this is my 1D array, this is my 2D array, dimension उसने बता दिया 2, ये मेरा 3D array है, ठीक है, with this element. So, I hope concept आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम numpy को use करेंगे for creating multi-dimensional array. कि अगर आपको n-dimensional array create करना है using numpy, then how to use numpy. Right, और अभी तो इसमें बहुत सारे functions की बात करेंगे, don't worry. ठीक है, जहां सॉर्टिंग की बात करेंगे, मैट्रिसेस के एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि मुझे डायगोनल एलिमेंट चाहिए, मुझे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स चाहिए। ओके, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल, सो दैट बने रहिए इस कोर्स में और प्रैक्टिकल करते रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोड नहीं लिखेंगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देख के कोडिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट, तो बी प्रिपेयर, टाइप करिए फटाफट, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में हम आगे बढ़ेंगे, बस आपको कंपनी के दरवाजे तक छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस कोर्स में, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्त जब साथ होते हैं तो बात अलग होती है।
ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।